और एक बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बताने, जहां पर जल संकट पर सियासी जंग छिड़ चुकी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए दिल्ली की ये तस्वीरें हैं। जैसे ही दिल्ली में टैंकर पहुंचता है, किस तरीके से लंबी लंबी कतारें जो हैं वहां पर देखने को मिल जाती हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी जावेद वहीं पर मौजूद है। जावेद, तस्वीरों के साथ बताइए कितनी देर पहले टैंकर पहुंचा है। देखिए अभी टैंकर पहुंचा है और जरा विजुअल के जरिए आपको दिखाते हैं किस तरह की स्थिति यहां पर बनती है। ये संजय कैंप का इलाका है, संजय कैंप चाणक्यपुरी में बना हुआ है। यहां झुग्गी झोपड़ी के लोग रहते हैं और यहां जब पानी का टैंकर पहुंचता है तो ये हालात यहां पर पैदा हो जाते हैं। आप देखिए टैंकर पहुंचने से पहले ही टैंकर के ऊपर लोग चढ़ जाते हैं, अपना पाइप डालते हैं और अपने अपने हिस्से का पानी यहाँ से निकालने की जद्दोजहद और मशक्कत शुरू हो जाती है। दिल्ली में अलग अलग जगहों पर इसी तरह की सूरत हाल देखने को मिल रही है। सुबह हमने देखा कि चिल्ला में इसी तरह के हालात थे, लंबी लंबी कतारें थी। गीता कॉलोनी में पानी को लेकर काफी भीड़ थी। और अब ये सबसे अहम तस्वीर संजय कैंप की हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ बड़ी संख्या में लोग टैंकर जब पहुंचता है तो उसके इर्द गिर्द पहुंच जाते हैं अपने हिस्से का पानी लेने के लिए। आप ये पानी कैसे निकालते हैं वो प्रोसेस भी आपको बताते हैं। जैसे ही टैंकर पहुंचने वाला होता है उससे पहले ही कुछ लोग इसके ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर अपने अपने पाइप डालकर अपना अपना पानी निकालते हैं। दरअसल दिल्ली में पानी को लेकर राजनीति भी हो रही है और दिल्ली में पानी की कमी है। कल दिल्ली सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 932 एमजीडी पानी का उत्पादन हुआ। दिल्ली को जरूरत 1005 एमजीडी की होती है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से करीब 75 से 80 एमजीडी पानी कम दिल्ली में उत्पादन हो रहा है, तो उसका असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। यहाँ विजुअल जावेद, इस एक टैंकर में कितने लीटर पानी पहुंच पाता होगा? देखिए पानी को लेकर किस तरह से यह मशक्कत होती है, एक बार तस्वीर अनिल सूद आपको दिखाएंगे। ये तस्वीर देखिए भीड़ का आलम देखिए, यहाँ पर किस तरह से पानी को लेकर एक दूसरे में ये कोशिश है कि पहले हम पानी ले लें। एक जद्दोजहद यहाँ पर लोगों के बीच में चलती रहती है। ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर पानी इस बीच होता यह है कि पानी का वेस्टेज भी होता है। पानी देखिए कितना यहाँ सड़क पर इस वक्त बिखर चुका है, आप देखेंगे। ये तस्वीर संजय कैंप की, जहां हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जब टैंकर यहां पहुंचता है तो हालात यहां पर बन जाते हैं। देखिए महिलाएं हैं, बच्चे हैं यहां पर। ये विजुअल संजय कैंप के, जहां पानी को लेकर काफी आपाधापी यहां पर इस वक्त दिखाई दे रही है। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह के हालात है। दिल्ली सरकार लगातार ये अपील कर रही है कि लोग पानी की बर्बादी ना करें और आरोप प्रत्यारोप भी चल रहा है बीजेपी और आम आदमी पार्टी सरकार के बीच। दिल्ली सरकार हरियाणा पर कम पानी देने का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी सरकार पर पानी के मुद्दे को लेकर हमलावर है। यहाँ बात करने की कोशिश कर रहे हैं सर, ये बताइए कि इस तरह के राजधानी का हाल है, ये राजधानी दिल्ली के हालात गर्मी के मौसम में हर वक्त ही होता है, हर साल होता है, एक दिन की बात नहीं है और हर रोज ये लड़ाई करता है। कितना टैंकर आता है और कितना यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर टैंकर अभी सुबह में आया, कल सुबह में आएगा एक टैंकर, दिन में एक बार टैंकर आता है यहाँ पे एक बार आता है। आपको लगता है कि अगर टैंकर यहाँ ज्यादा आएगा तो पानी यहाँ पर जी अगर टैंकर बढ़ाया जाए भीड़ कम होगी? बिल्कुल सर। देखिए यहाँ पर ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, देखिए टैंकर के ऊपर एनडीएमसी की जो सिक्योरिटी फोर्स है वो आप देखिए, दरअसल ये डिप्लॉय किए गए हैं यहाँ व्यवस्था कायम करने के लिए, यहाँ लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो पानी को लेकर, तो यहाँ पर पानी की राशनिंग अच्छे तरीके से हो जाए। तो यहाँ पर ये तस्वीर एक बार दिखाइए अनिल सूद, किस तरह से जो एनडीएमसी की फोर्स है वो यहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं, जो जवान है एनडीएमसी के वो यहाँ पर तैनात है। हमने देखा 3 जवान यहाँ पर राउंड द क्लॉक ड्यूटी करते हैं। ये तस्वीर एक बार जरा देख लीजिए, यहाँ किस तरह की स्थिति बन रही है। तो ये तस्वीर संजय कैंप की, जहां पानी को लेकर मारामारी इस वक्त मची हुई है। ये लगातार हम दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए दिल्ली में आज पानी को लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। आम आदमी पार्टी जहां सीआर पाटिल से मिलेगी पानी के मुद्दे को लेकर उनके आवास पर, वहीं बीजेपी 14 जगहों पर प्रोटेस्ट कर रही है पानी को लेकर। कल कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया, कल भी बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया, पानी को लेकर लगातार सियासी घमासान भी देखने को मिल रहा है। और ऐसे में जो एक तस्वीर है जो नहीं बदल रही है वो ये कि पानी की किल्लत लगातार बरकरार है। भीषण गर्मी आपके पास लौट रही है, एक बार ये तस्वीरें आप लगातार दिखाते रहे, तस्वीरें बहुत जरूरी हो जाती है।
राजधानी दिल्ली की ये तस्वीरें हैं जहां से देश की सियासत चलती है, लेकिन वहां का हाल देखिए। कुछ दिनों पहले बिजली का संकट और अब ये पानी का संकट, जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि आज अब टैंकर आया, इसके बाद कल वो टैंकर आएगा, यानी कि लोग 24 घंटे के लिए कितना पानी वहां पर स्टोर कर पाएंगे। ऐसे में लंबी लंबी कतारें, करीबन 200 से 300 लोग वहां पर आपको साफ तौर पर तस्वीरों में नजर आएंगे। इतना ही नहीं, पुलिस प्रशासन जो है वो भी वहां पर मौजूद है, ताकि किसी भी तरीके से अनियमितता जो है वो वहां पर ना हो, परेशानी ना हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस तरीके की परेशानी दिल्ली वालों को हो क्यों रही है। जावेद लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। जावेद, एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए, कोशिश कीजिए लोगों से बात करने की, क्या कह रहे हैं लोग, क्या जानना चाहते हैं लोग, और आखिर कितने दिन से ये परेशानी, कितने दिन से लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। अनुपमा, मुश्किल ये है कि यहाँ लोगों से रिएक्शन इसलिए नहीं मिल पा रहा क्योंकि उनकी पहली प्राथमिकता ये है कि वो अपने हिस्से का पानी यहाँ से ले लें। हम तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जब यहाँ टैंकर पहुँचता है तो हालात बन जाते हैं। अनिल सूद, जरा इस तरफ से दिखाइए तस्वीर इन महिलाओं की, जो यहाँ बहुत देर से इंतजार कर रही थी कि पानी का टैंकर जैसे ही पहुँचेगा वो अपने हिस्से का पानी ले ले। कोई यहाँ पर बात करने के लिए फिलहाल कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सब पानी लेने में इतना व्यस्त है कि कोई बात भी नहीं करना चाहता। इस तरफ से दिखाने की कोशिश करते हैं। अनिल सूद, इधर आए जरा, अगर हम और विजुअल करीब से दिखा पाए कि क्या हालात यहाँ पर बनते हैं। इधर आइए, ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर कितने सारे जो डब्बे हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं और पानी यहाँ किस तरह से भरा जाता है पाइप के जरिए, वो आप देख लीजिए। कितनी देर पहले से इंतजार कर रहे हैं? एक घंटा से। हाँ। तो ये क्या, कितना टैंकर आता है दिन में? तीन टैंकर। किस किस टाइम आता है? एक जो है 7:30 में, एक 9 बजे, एक 2 बजे और एक 4 बजे शाम में। देखिए, तीन टैंकर ये बता रहे हैं। एक शख्स दावा कर रहा था कि दिन में एक ही टैंकर आता है। पानी खत्म हो गया क्या? हाँ। मिला आपको पानी? पानी नहीं मिला? कितनी देर से इंतजार कर रहे थे आप? खाली, बहुत देर से इंतजार कर रहा, इंतजार कर रहा, पानी खाली ले जा रहा हूँ, पानी नहीं मिल रहा है। एक घंटे से इंतजार कर रहा था। कैसे पानी देख रहे हैं कि किसी के पास बहुत सारा पानी आ गया, किसी को एक बोतल भी नहीं मिला, होता कैसे है? सर जो दमंगल होते हैं वो अपने लगा लेते पाइप, जिसके पास व्यवस्था है। यहाँ तो किराए पास पाइप नहीं था, नहीं मिल पाया, मैं खाली ले जा रहा हूँ। अच्छा, तो क्या व्यवस्था आप चाहते हैं कि यहाँ पर व्यवस्था ऐसी हो कि सबको मिल जाए, लाइन वाइन लग के? हाँ, लाइन लग जाए तो सबको व्यवस्था, सब पानी, मतलब सबको पानी मिले। ये एक और संकट है अनुपमा, यहाँ एक शख्स को एक बोतल भी पानी नहीं मिला, और यहाँ पर देखिए कि चार चार बड़े बड़े कैन यहाँ पर भर लिए गए हैं चूंकि जिनके पास पाइप है, ऐसा लोगों का कहना है। कितने पानी नहीं मिलता? पानी मिला आपको? मिल गया ना? कितने? ये किसका है? देखिए, यहाँ पर मुझे कई टैंक भरे हुए नजर आ रहे हैं, तो यही स्थिति है। कोई समय से पहुंच जाता है या किसी को जो ये मारा मारी पानी को लेकर होती है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो पहले बाजी मार लेता है उसको यहाँ पर पानी नहीं मिलता है। ये उन तमाम सरकारों को देखनी चाहिए जिन्होंने ये वादा किया था कि राजधानी दिल्ली में जो है फ्री में बिजली, फ्री में पानी दिया जाएगा। छोटे छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े, महिलाएं जो है पानी के लिए किस तरीके से तरस रहे हैं कि सुबह सवेरे 2 घंटे से वहां पर एक टैंकर का जो है इंतजार किया जा रहा है, और इंतजार इसीलिए किया जा रहा है ताकि उनके घर में जो है खाना बन सके, उनके घर में लोग पानी का इस्तेमाल कर सके। मैं लौटूंगी जावेद आपके पास, लेकिन देखिए किस तरीके से जल संकट जो है दिल्ली में बरकरार है, और जल संकट पर अब सियासी जंग छिड़ चुकी है। भारतीय जनता पार्टियां 14 जगहों पर सड़कों पर उतरने वाली है। दिल्ली के 7 सांसद समेत दिल्ली बीजेपी के बड़े नेता आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। बीजेपी की दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर पर भी धावा बोलने की तैयारी है। बीजेपी नेता 10 बजे सड़कों पर उतरने वाले हैं। एक तरफ आप वो तस्वीर देखिए जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, चाणक्यपुरी, काफी वीवीआईपी इलाका कहा जाता है दिल्ली का, लेकिन वहां पर जो झुग्गी में रहने वाले लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, वहां पर किस तरीके से 6-6 घंटे से टैंकर का इंतजाम जो है इंतजार कर रहे हैं ताकि उनके घर में खाना बन सके। इस चिलचिलाती गर्मी में कम से कम वो अपने गले की प्यास बुझा सके, क्योंकि ये वही सरकारें हैं जिन्होंने ये वादा किया था कि दिल्ली को कभी भी जो है बिजली और पानी का संकट नहीं होगा। लेकिन आज स्थिति देखिए, चिलचिलाती गर्मी, जहां एक तरफ टेम्परेचर 47 से 48 डिग्री। 4 तस्वीरें आपके सामने, दिल्ली के लोगों को पानी के लिए रोजाना किस तरह की जंग लगनी पड़ रही है,
उसका अंदाजा आप इन चार तस्वीरों से लगा सकते हैं। टैंकर से पानी लेने के लिए सुबह सुबह गलियों में भीड़ जमा होने लगती है क्योंकि लाइन कई मीटर लंबी होती है, जो हम आपको दिखा भी रहे हैं। और अगर देर की तो नंबर आने तक टैंकर का सारा पानी खत्म, और इसीलिए इलाके में टैंकर पहुंचते ही पानी के लिए मारामारी छिड़ जाती है। घंटों के इंतजार और मशक्कत के बाद लोगों को पानी मिल पाता है। दिल्ली के गीता कॉलोनी, गोविंदपुरी, ओखला, चिल्ला गांव से आई ये तस्वीरें अब से कुछ घंटे पहले की है। तो ये चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राजधानी दिल्ली का हाल देखिए कि आखिर दिल्ली में किस तरीके से जल संकट जो है लगातार बरकरार है। दिल्ली के लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, मगर आम आदमी पार्टी इसके लिए गर्मी और हरियाणा को जिम्मेदार ठहरा रखी है, तो बीजेपी आम आदमी पार्टी की नीयत पर सवाल उठा रही है। तो बोले चलनी भी बोल रही है जिसमें 76 छेद है। ये सारी समस्या टैंकर माफियाओं को कौन फला फुला रहा है? पहले कांग्रेस फलाती फुलाती थी, आज आम आदमी पार्टी फला फुला रही है। हरियाणा से यूपी से अगर पानी बढ़ाकर नहीं दिया जाता तो इनके टैंकरों को भी पानी नहीं मिलती, मगर ये पानी देना नहीं चाहते, पानी बेचना चाहते। कि इस बार का जो हीट वेव है, इस बार की जो गर्मी है, यह अप्रत्याशित है, और ऐसे में दिल्ली की पानी की जरूरत भी बढ़ गई है। दिल्ली के अंदर पानी का उपभोग भी बढ़ा है, पर्याप्त मात्रा में यमुना नदी के अंदर जल का अभाव इस डिमांड और सप्लाई को मैच नहीं कर पा रहा। जो दिल्ली की जनता दुखी है, परेशान है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग उस पर राजनीति भी कर पा रहे हैं।